वरदान विक्रम के कैद से भाग निकलता है। लकी को उदास देख मार्जरी कहती है कि वो उसके जैसा दोस्त खोना नहीं चाहती। सावित्री पंडित से कहती है कि कुछ भी करके फेरों की रस्म जल्दी करो। पंडित रस्म शुरू कर देता है, बड़ों वरदान के न आने से परेशान है। और फिर तीसरे फेरे के दौरान गठबंधन खुल जाता है और वीरेंद्र सिंह कहता है कि अब ये गठबंधन बांधने का कोई फायदा नहीं, वो शादी नहीं करेगा। और इस शादी के टूटने की वजह है रघुवीर सिंह अहलावत। ये सुन सभी दंग रह जाते हैं। अब आगे, ये जो शादी टूट रही है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण, आपके प्यारे पूजनीय श्री रघुवीर सिंह जी अहलावत। शादी करने की जरूरत ना है, ये एक नंबर का गिरा हुआ और धोखेबाज इंसान है। दीदी, ये तारे से शादी करके तारे को बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि रघुबीर बाऊजी ने इसके भरे समाज में इसकी बेइज्जती की थी। वाह साले साहब वाह, क्या एंट्री मारी, बस आप ही का इंतजार हो रहा था। ये बात हो गई वीरेंद्र सिंह जी, जिस रिश्ते की राह में आप इतने आगे निकल चुके थे तो कदम वापस क्यों ले लिया? जरा ठंडे दिमाग से सोचा करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिए हुए जितने भी निर्णय होते हैं ना, अच्छे नहीं होते।
सब लोगों के सामने बात करना ठीक नहीं होगा। क्यों ना हम काम करें, हम दोनों चलते हैं कमरे में अकेले और इस मसले का हल निकालते हैं। वाह जी वाह, आज थारे को अकेले में बात करने की सूझ रही है। नॉमिनेशन वाले दिन मट्टी मारी गई थी क्या? उस दिन ना फूटी थारे मुंह से कि आजा बेटा वीरेन, चल जरा अकेले में बात कर ले। उस दिन सारे गांव के सामने, मारे पूरे परिवार के सामने, इस मोटी के सामने हमारी बेइज्जती कर दी, तो आज ये समझ लो कि अब मेरी बारी है। ओ मैं क्यों चूकूं मौका, क्यों चूकूं? आज थारे ही घर में, थारे घर वालों के सामने, इस मोटी के सामने थारी इज्जत उछालूंगा। Take care. दरिया ने करवट ली है तो साहिलों को सहने दे। सो हसरतें पर तेरा गम नहीं। सिंह कहां की बात, कहां लेकर जा रहे हो? ये छोरी और इसके परिवार का ठेका लेके रखा है ना तुमने? इसकी इज्जत, इनके इनके सम्मान का बोझ तुम अपने इन मजबूत कंधों पे लेकर चलते हो। तो आज जब मैं इसे इस मंडप में छोड़कर अधूरे फेरों के साथ बिन ब्याही यहां से जाऊंगा, तो इनकी बेइज्जती का मेडल अपने इस गले में जिंदगी भर लटका कर घूमना रघुवीर सिंह। और याद करना कि मुझे कैसा महसूस हुआ होगा जब तुमने सबके सामने मेरा नॉमिनेशन रोका था। अरे मेरी जिंदगी सवर जाती ही, लेकिन तुमने वो मौका मुझसे छीन लिया।
आज मैं तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर जाऊंगा रघुवीर सिंह। सुन लो सबके सब, मैं वीरेंद्र सिंह इस कोमल दाइया को इस भरे मंडप में बिन ब्याही अधूरे फेरों के साथ ठोकर मार कर जा रहा हूं। और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है, रघुवीर सिंह अलहावत। रहो बावड़ी पूछ, ये क्या बकवास कर रहे हो तू? तेरे भेजे में भूसो भरे है के? एक तो हमारे परिवार तने इज्जत दी और बदले में एहसान की तू मेरे रघु पर इल्जाम लगा रहे हो है? तेरे शर्म बेच खाई कहते हैं? ओ छोरे, तेरी आंखा में पड़े छोटे की लिहाज तो रही नहीं। अरे सलाम है, अभी बेच के खा गया के तू? क्या होगा इस चोरी का? जागी भी आ। अरे हमारे पति ने हमेशा से तेरा भला चाहा है, जो कुछ भी किया तेरे भले के लिए किया, लेकिन आज तूने क्या किया? पूरी बिरादरी के सामने उन्हीं के घर में आके उन्हीं की इज्जत उतार रहा है, शर्म ना आ रही तुझे? देखा रघुवीर सिंह कैसे तिलमिला रहे हैं तेरे परिवार वाले? ऐसे ही मैं भी तिलमिलाया था, तड़पा था मैं जब मेरा सपना तूने छीन लिया था। वीरेन जी, जो हुआ जैसे हुआ उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगू। जो सुनाना है, जो बोलना है, मारो को बोलिए, जितना कोसना है मारे को कोसिए, मारी बेइज्जती करिए, मारे को जूते मारिए, लेकिन मारी छोरी की किस्मत को ठोकर मारकर मत जाइए। ऐसे भरे मंडप में उसको ठुकरा कर मत जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ू, विनती करूं, आपके पांव पड़ूं। इस घटिया आदमी के मुंह लगने की जरूरत ही ना, और ये आदमी ये माफी देने के लायक ही ना है। दीदी हमारी बात मान ले, मत कर इस घटिया इंसान से शादी। दीदी धर से ब्याह करके तारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, मत कर। दीदी बहुत ही धोखेबाज इंसान है, इससे मत कर शादी। बस कर मत आप, एक शब्द निकाली अपने मुंह से। बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ ये बात करने के लिए। और
यार कोमल, तू इसकी बात पे ध्यान ना दे, भावला हो गया यो। बिरेन जी, आप ऐसा ना कीजिए। मारी चोरी को यो बीच रास्ते में मत छोड़िए। आपने मारी लड़की को छोड़ दिया तो क्या होगा इसका? बिरेन जी, आप कहीं का गुस्सा कहीं पे क्यों निकाल रहे हो? सब तो बना देता आपको। ना करिए इतनी बेरहमी हमारे साथ, ना करिए। बुआ, 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 आप समझा इन्होंने यो सब के है। बिरेन जी कुछ तो ऐसा ना करके मत जाइए हमारे जीवन। बिरेन जी रोक दीजिए ये सब। राणा, इस नीच इंसान को धक्के मार के इस घर से बाहर कर दो।
थप्पड़ तो तेरे मुंह पे पड़ा है रघुवीर सिंह। इस लड़की की बर्बादी का जिम्मेदार तू है।